नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों, ये टेक्नोमेट कंपनी का मशीन है, फिजियोथेरेपी मशीन है। दोस्तों, ये हमारे मसल्स को सिमुलेट करता है, ये वेब पे काम करता है। दोस्तों, जब ज़रूरत हो जैसा ज़रूरत होता है डॉक्टर की सलाह से, ये मशीन उस व्यक्ति पे लगाया जाता है। दोस्तों, इस मशीन में कुछ समस्याएं आ गई हैं, ये काम कर नहीं रहा है, तो इसको दोस्तों आज मैं ओपन किया हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ये यहाँ इसके प्रोब्स जिसमें हमें फिट करते हैं, फोर प्रोब्स के, इसमें टू प्रोब्स भी आते हैं और फोर प्रोब्स भी आते हैं। तो ये फोर प्रोब्स की मशीन है। तो इस जो है कि इसको हम देखिए आप, जो कि इसका दो लीड जो है, इसका स्क्रू जो होता है दोस्तों ना, नोब जहाँ नोब्स लगते हैं, जिसमें प्रोब्स लगते हैं, उसको बार बार ऑपरेट करने से निकल जाते हैं लूज होके। दोस्तों, इसको हम सोल्ड भी नहीं कर सकते परमानेंट, चूँकि हमें भी फिर काम करना होगा तो दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी। उसके थ्रेड्स जो है कि वो हमें फिर से फिट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, इसको मैं अच्छे से टाइट कर लूँगा। अभी एक समस्या इसमें और है, जिसका पुश बटन स्विच है, जिसे हम इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, वो काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, उसको भी चेंज करेंगे। दोस्तों, जो है कि मैं इसको अपने घर पे, अपने वर्कशॉप पे नहीं कर पा रहा, लेके आ पाया मशीन को, मैं वहीं बना रहा हूँ हॉस्पिटल में ही। दोस्तों, इसलिए थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में हो सकता है दिक्कत रहे। दोस्तों, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, जैसा देखिए, ये स्विच जो है इसमें प्रॉब्लम, पहले मैं इस मदरबोर्ड जो प्लेट लगा हुआ है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग की भी जानकारी में कोई इस तरह की मशीनें ब्रेकडाउन हैं तो आप दोस्तों हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूंगा। दोस्तों, इस समय मैं प्रेजेंट टाइम शक्ति नगर, ये आपका जयंत में हूँ, सिंगरौली मध्य प्रदेश में। इस क्षेत्र में कोई भी इस तरह का मशीन रिपेयर करने के लिए कोई नहीं है। इस मशीन को रिपेयर करने के लिए या तो बनारस से आते हैं या तो फिर जबलपुर से आते हैं, तो उनके फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो एक बार आते हैं तो रहने के चार्ज लेते हैं, प्लस उनके 2000 रुपये फीस होते हैं। दोस्तों, जो है इस स्विच को हम बाहर निकाल लेते हैं, ख़राब स्विच को, फिर नया स्विच इसमें चेंज कर देंगे। दोस्तों, ऐसा देख सकते हैं, हम इस ख़राब स्विच को बाहर निकाल लिए हैं, अब इसमें नया स्विच हम फिट करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा इसका जो नोब्स होता है, जो स्विच आता है, हल्का सा टेढ़ा रहता है, उसको सीधा करने के बाद अच्छे से फिट हो जाता है। और इसके ग्रुप्स जो होते हैं, उसको अच्छे से साफ़ करने में और बेनिफिट रहता है कि साफ़ करने के बाद जो उससे दिक्कत नहीं होती, जल्दी से फिट हो जाता है ग्रुप्स में।
दोस्तों ये स्विच फिट हो गया है। नीचे का एक रोप्स बचा हुआ है, इसको भी हम अच्छे से करके दोस्तों अब इसको हम अच्छे से फिट कर लेते हैं, इसके बाद इसको टेस्ट करेंगे कि मशीन काम कर रही है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें। और अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हम इसके कवर को अब फिट कर ले रहे हैं, फिट करने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। दोस्तों इसके जो है नोब्स हैं, इसके ग्रुप बने होते हैं दोस्तों, उस नोब्स में अच्छे से इसको फिट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं दोनों साइड स्लॉट कटे हैं। क्या होता है दोस्तों, जो हम फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, ये बटन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए ये बार बार ख़राब होता है। दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं, हमने इसको ऑन कर लिया IFT मशीन को। देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, घट रही है, और जितना हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना हम कर सकते हैं टाइम। देखिए दोस्तों लिख रहा है इंसर्टिटी नो नेट जीरो, हमने जीरो पे नहीं किया है। अब इसको हम एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे। अब इसको हम लेते हैं कमांड। देखिए ये प्रोग्राम हमारा नंबर हो गया, और 90 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़, जितना ज़रूरत होता है उस